हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 11.1 पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपना सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा क्या है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर हमने क्या करनी है एक लाइन ड्रॉ करनी है सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर की एंड डिवाइड इट इन द रेसो ऑफ फाइव एट और उस रेसो को उस लाइन को क्या करना है हमने फाइव रेसो एट में हमने डिवाइड करना है मेजर द टू पार्ट्स जो भी दो पार्ट्स आएंगे हमारे डिवाइड होने के बाद उनको मेजर करना है उनकी लेंथ बतानी है एंड जस्टिफाई यूअर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऊपर दिया गया है स्टार्टिंग में सबसे ऊपर लाइन पढ़ेंगे कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको क्या करना है जस्टिफाई करके दिखाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है स्टेप वाइज देखेंगे साथ में इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ऐसा नहीं करना है आपने कि पहले कंप्लीट इसका कंस्ट्रक्शन कर लेंगे फिर इसकी कंस्ट्रक्शन राइट डाउन करेंगे ऐसा करने से आपकी मिस्टेक से बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम स्टेप वाइज चलेंगे बेटा सबसे पहले क्या है ड्रो ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ सेवन तो पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो एक लेंथ ले लेते हैं हम सेवन पॉइंट सिक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रो करेंगे जीरो से स्टार्ट किया मैंने सेवन पॉइंट सिक्स एक्जैक्ट मैंने यहाँ पे सेवन के बाद ये बड़ा स्केल है जो फाइव का है फाइव से एक पॉइंट और आगे लिया तो ये क्या हो गया हमारा सेवन पॉइंट सिक्स अब यहां पे इन दोनों पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे ए बी और लेंथ जो है ये कितनी है हमारी सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो यहाँ पे साथ में कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा यहां पे लिखेंगे बेटा टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे हम पॉइंट ए के ऊपर एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा लेस देन नाइन्टी डिग्री का तो यहां पे क्या कर लिया कोई भी एक्यूट एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं ये मैंने क्या कर लिया एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया ठीक है अब यहां पे क्या करना है इसको राइट डाउन कर लेंगे स्टेप सेकंड को ये हमारा क्या हो गया एक्यूट एंगल तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टेप सेकंड ड्रॉ ए एक्यूट एंगल बी ए सी इसका नाम रख लेते हैं हम सी एंगल बी ए सी आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है नेक्स्ट जो है बेटा थर्ड स्टेप जो है अब हमने क्या करना है बेटा इस लाइन को इसी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो देखते हैं ऊपर देखेंगे एक बार क्वेश्चन में रेसो जो है वो कितनी गिवन है बेटा फाइव रेसो एट तो फाइव और एट कितना हो गया हमारा सम कर लेंगे इनका एट और फाइव थर्टीन तो हमें क्या करना है इस लाइन को इक्वल थर्टीन पार्ट्स में क्या कर लेना है कट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम स्मॉल सा आर्क यहाँ पे क्या करेंगे अपने कंपास से ड्रॉ करेंगे और वो आर्क आपने क्या रखनी है बिल्कुल हर बार इक्वल रखनी है ये नहीं है कि आपने हर बार चेंज करते चले जाओ तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से ए पॉइंट पे रखा एक आर्क ड्रॉ कर ली नेक्स्ट पॉइंट पे रखा एक आर्क ड्रॉ कर ली इस तरीके से हम थर्टीन कट लगाएंगे इस लाइन पे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन इस तरीके से क्या कर लिया बेटा हमने इस लाइन को इसी लाइन को थर्टीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया नेमिंग कर लेते हैं इनकी ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन ए इलेवन, ए ट और ए थर्टीन सभी पॉइंट्स को हमने नाम लिख दिया यहां पे A1 वन से लेके A13 तक अब कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने वो देखते हैं स्टेप थर्ड में यहां पे क्या किया हमने लोकेट लोकेट मीन्स ड्रॉ किए हैं मार्क किए हैं कितने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं फाइव प्लस एट इक्वल टू थर्टीन पॉइंट ए वन ए टू ए थ्री सभी पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा पॉइंट्स है तो इस तरीके से डॉट लगा के क्या कर देंगे ए थर्टीन ऑन लाइन कौन सी लाइन पे बेटा ए सी पे अब इस लाइन पे है क्या वेयर और क्या लिखना है जो ये पॉइंट्स है ना ए ए वन ए ए वन इक्वल टू किसके है ए वन ए टू के इक्वल टू किसके है ए वन ए टू एज इक्वल टू किसके है ए टू ए थ्री के डॉट डॉट लगा के क्या लिख देंगे ए ट्वेल्व ए थर्टीन इस तरीके से क्या कर लिया हमने ये पॉइंट से कट कर लिए नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा हमने क्या करना है कि जो हमारा पॉइंट ए थर्टीन है ना लास्ट वाले पॉइंट को बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट से हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे ए थर्टीन को मैं ज्वाइन कर दूंगा बी पॉइंट से इस तरीके से क्या कर दिया मैंने ए थर्टीन को बी से ज्वाइन कर दिया तो इस स्टेप फोर में क्या लिखेंगे हम स्टेप फोर ज्वाइन ए थर्टीन टू बी ए थर्टीन को किससे ज्वाइन कर लिया मैंने बी से ज्वाइन कर लिया आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है इसको मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लेता हूं शायद रेड पेन से आपको विजिबल कम हो तो इसलिए इसको एक बार ब्लैक पेन से ड्रा करता हूं मैं तो B को A3 से हमने क्या कर लिया ज्वाइन कर लिया लास्ट स्टेप देखते बेटा स्टेप नंबर फाइव अब बेटा क्या करना है हमें एक पैरल ड्रॉ कर, लाइन करनी है किसके ए थर्टीन बी के तो वो कैसे करते हैं हमने फर्स्ट वीडियो में भी अपनी देखी थी बेसिक कंसेप्ट में पैरल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे ये आर्क मैंने क्या कर ली ड्रॉ कर ली ठीक है इस तरीके से ए थर्टीन पर पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ कर ली दूसरा पॉइंट क्या है हमारा देखेंगे फाइव आगे रेसो तो फिफ्थ पे ए फाइव पे रख के सेम आर्क मैं यहाँ पे क्या करूँगा ड्रॉ करूँगा ऐसे ही हमने क्या कर ली यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर ली आई होप ये चीज आपको क्लियर है अब बेटा एंगल मेजर करेंगे जितना भी एंगल हमारा ये बना हुआ है सेम एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कैसे मेजर करेंगे इस पॉइंट पे रखा और यहाँ तक ये यह आर्क देख लेंगे कितनी है ये आर्क जो है हमारी इस पॉइंट से यहां तक ये ये वाली आर्क सेम एज इट इज इस पॉइंट पे रख के हम क्या कर लेंगे एक कट लगा लेंगे ये हो गया हमारे पास कट तो अब क्या करेंगे ए फाइव को एक्सटेंड करेंगे और जहां पे भी हमें ए बी लाइन पे वो मीट करता होगा वहां पे क्या कर देंगे उसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से ठीक है ये हमारा कट लगा था यहां पे और ए फाइव को आगे एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट को नाम रख लेते हैं हम क्या रख लेते हैं डी पॉइंट अब इसको कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं यहां पे क्या किया मैंने थ्रू ए पॉइंट थ्रू पॉइंट ए फाइव क्योंकि फाइव रेसो एट में डिवाइड करना था तो आगे क्या है हमारा फाइव तो ए फाइव से क्या किया मैंने ड्रॉ ए लाइन ड्रॉ ए लाइन ए फाइव डी पैरल किसके ए थर्टीन बी के ए फाइव डी पैरल ड्रॉ कर ली हमने किसके ए थर्टीन बी के कैसे ड्रॉ की है वो वो भी लिख देते हैं बाय मेकिंग एन इक्वल एंगल ऑफ एंगल ए ए थर्टीन बी ए ए थर्टीन बी ये जो एंगल है इतना ही एंगल यहाँ पे ड्रॉ करके हमने क्या कर लिया एक पैरेलल डाइट ड्रॉ कर ली सो दैट सो ए डी रेसो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा फाइव रेसो एट तो ए डी और डी बी की जो रेसो आएगी वो क्या हो जाएगी फाइव रेसो एट में हमने क्या कर ली डिवाइड कर ली इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होगी हमारी और उसकी कंस्ट्रक्शन हमने कैसे की है उसको भी राइट डाउन कर लिया अब बेटा इससे आगे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है जस्टिफिकेशन का है कि हमने इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है कि कैसे हमने इसको बनाया है और हमें जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो एग्जैक्ट फाइव रेसो एट में है या नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे इसकी जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन सबसे पहले है, देखते हैं देखते हैं बेटा हमें प्रूव क्या करना है जो ए डी बाय डी बी है वो हमने प्रूव करनी है फाइव बाय एट प्रूव करनी है फाइव रेसो एट उसको कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे सबसे पहले बाय कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन वी नो क्या है बेटा ए फाइव डी पैरल किसके है ए थर्टीन बी के मीन्स ये लाइन और ये लाइन क्या हमारी दोनों पैरल हैं ये दोनों लाइन्स क्या हमारी पैरल हैं अब ए बी ए थर्टीन ये क्या है एक ट्रेंगल ट्रेंगल में दो लाइन्स पैरल हैं तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बाय बी पी टी थ्योरम सिक्स चैप्टर में पढ़ी थी हमने बाय बी पी टी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इससे क्या होगी बेटा जो ये साइड है इनकी रेशो इक्वल किसके होगी इस साइड की रेशो के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी बाई डी बी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा ए ए फाइव अपोन में ए फाइव ए थर्टीन ए ए फाइव अपोन में ए फाइव ए थर्टीन ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट अब बेटा क्या लिखेंगे फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर यहाँ पे ए फाइव ए ए फाइव बाय ए फाइव ए थर्टीन वो किस रिश्सों में है ये कितने पॉइंट्स हैं फाइव ये कितने पॉइंट्स हैं एट तो ये कितने हैं फाइव बाई एट की फॉर्म में इक्वेशन नंबर सेकेंड अब क्या लिखेंगे फ्राम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो बेटा ए ए फाइव ए फाइव ए थर्टीन इसमें भी है इसमें भी है तो इनकी जो ये साइड्स होंगी ये भी क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल हो जाएंगी तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख देंगे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा फाइव बाई एट हैंड प्रूव ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन अब बेटा और स्टेप जो है लास्ट वो क्या करना है हमने मेजरमेंट करनी है ए डी को मेजर करेंगे हम स्केल से और डी बी को मेजर करेंगे तो रेशो जो आएगी वो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी ए डी जो आएगी वो क्या आएगी टू पॉइंट नाइन सेंटीमीटर और डी बी जो आएगी वो क्या आएगी हमारी फोर पॉइंट सेवन सेंटीमीटर आप इनको स्केल से मेजर भी कर सकते हैं ए डी जो आएगी वो क्या आएगी हमारी टू पॉइंट नाइन देखेंगे यहाँ पे टू और ये क्या आ गया हमारा पॉइंट नाइन और जो आगे वैल्यू बच गई वो क्या हो जाएगी सेवन पॉइंट सिक्स में से सब्ट्रैक्ट करने कितनी आगे फोर पॉइंट सेवन सेंटीमीटर आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू स्टूडेंट्स